हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में आज थोड़ा सा जो विषय है वो विषय समय लेने वाला है। तो आज का विषय आप सबका समय लेगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है नहीं आप सबको जानने को मिले इस पाठ में। तो अब तक हमने भू धातु के लंग लकार तक का रूप जान लिया है, बनाना सीख लिया है। आज हम देख रहे हैं लंग के बाद बारी किसकी आती है, लिंग, अ ई इत्यादि क्रम से ये प्रक्रिया अनुसार ही चल रहे हैं। तो लंग के बाद बारी आती है लिंग की। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग। इस सूत्र पर हम लोट के विषय में चर्चा करते समय बता चुके हैं, इस सूत्र का भी अर्थ बता चुके हैं लोट लकार पर जब हम चर्चा कर रहे थे तब। यह सूत्र कहता है कि विधि अर्थ, निमंत्रण अर्थ, आमंत्रण अर्थ, अधिष्ठ अर्थ, संप्रश्न अर्थ, प्रार्थना अर्थ, इतने अर्थों में धातु के पर में लिंग एक ऐसा प्रत्यय हो जाता है। ठीक, कौन कौन से अर्थ में, विधि यानी प्रेरणा देना, निमंत्रण यानी नियोग करना, किसी को एकदम से आने पर विवश कर देने वाला निमंत्रण देना, और आमंत्रण मतलब ऐसा बुलावा भेजना जिसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार आ सके, ऐसा आमंत्रण होता है। अधिष्ट सत्कार पूर्वक व्यापार करना, संप्रश्न प्रश्न करना, प्रार्थना, इतने अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक, इतने अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है एश्वर्थेषु धातुर्लिंग। ठीक, अब लिंग में भी बचता है ल ही, लिंग में भी बचेगा क्या, ल, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम प्रक्रिया इसको चलाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, भू है, उसके बाद हमने बचाया क्या, लिंग। ठीक है, भू लिंग, लिंग में से क्या बचेगा, लिंग में से ल बचेगा। ये आप हर जगह करते हुए आए हैं, गांव की हलंतम से संज्ञा कीजिएगा, ई की उपदेश जनराशि से संज्ञा कीजिएगा। अब फिर से आ गए हम भू ल तक, ठीक है, पहले जैसा ही है सब कुछ। फिर इसके बाद ल के स्थान पर क्या करेंगे, टिप करेंगे, भू टिप, भू हुआ, टिप हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। टिप में से क्या बचा, टी, टिप में से अभी टी बचाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भू टी। अच्छा, यह जो टिप प्रत्यय है सार्वधातुक प्रत्यय है, धातु के बाद कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय लगा हुआ है, तो कर्तरि शप जी आएंगे अपना काम करने, आएंगे ना कर्तरिषप जी आएंगे और शप करके चले जाएंगे। तो कर्तरिषप ने क्या किया, कह दिया धातु के बाद कर्ता अर्थ का कोई भी प्रत्यय हो तो शप एक ऐसा विकरण प्रत्यय जुड़ जाया करता, भू ती के बीच में शप भी आ जाएगा। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, आ जाएगा, शप का आ और ती, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो भू है, इस भू को सार्वधातुकार्ध धातुकयोः से पहले की तरह गुण कर लेंगे तो भू बन जाएगा भो अ ती, भवती जैसा बनाया था वैसे ही जैसा लग रहा है अभी तक। ठीक, भो आ को एचो यवायावः, भो आ को क्या करेंगे, एचो यवायावः भव कर देगा, और अ शब का अ ओ के जगह पे अव आया। अब ये वाला अ व में मिलकर व को पूरा कर देगा, ये वाला अ भ में मिलकर भ को पूरा कर देगा, बन क्या जाएगा भव। ठीक, और ती, भू को भव आप लट लकार में भी बनाए हैं, लोट में भी बनाए हैं, लंग में भी बनाए हैं, वैसे ही विधिलिंग में भी बना लिया। अब काम एक्स्ट्रा क्या करना है यहां पर, वह शुरू होता है यासुट परस्मै पदेशु दातो ङिच्च, यासुट परस्मै पदेशु दातो ङिच्च, यह शुरू सूत्र आएगा। यह सूत्र आप देखेंगे तो इससे पहले ही एक सूत्र आपको मिल जाएगा, लिंगः सीयुट, लिंगः सीयुट, यह कहता है धातु के बाद जो लिंग लगा है, क्या लगा है, लिंग, उस धातु के बाद लगे हुए लिंग को सीयुट आगम हो जाता है, ऐसा लिंगा सीयुट ने कहा था, क्या हो जाता है, सीयुट आगम हो जाता है।
लेकिन अब ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, यासुट परस्मै पदेशु, ये कह रहे हैं परंतु यदि वह जो लिंग है वह परस्मै पद वाला हो, यदि वह परस्मै पद वाला लिंग हो तो सीयुट नहीं होता, यासुट हो जाता है, यासुट आगम हो जाता है। यासुट कैसा टित है, आगम है, क्योंकि इत संज्ञा वाला आगम होता है ना, क्योंकि इत संज्ञा वाला, क की इत संज्ञा वाला, ङ की इत संज्ञा, ओ म की इत संज्ञा वाला म है ना, ये सब आगम होते हैं। तो यासुट परस्मै पदेषु दातुमिच्च जी ने कहा कि परस्मै पद में यासुट आगम होता है, वह यासुट आगम उदात्त होता है। अब उदात्त अनुदात सरित वैदिक का विषय है, यानी यह यासुट जो या का आ बचेगा वह उदात्त रहेगा, इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं रहेगा, यह मतलब है ठीक। और यासुट में ङ की इत संज्ञा होती है क्या, नहीं, ङ की इत संज्ञा नहीं है, फिर भी इस यासुट को गित भी माना जाएगा, गित च गकार की इत संज्ञा हुई है इसमें, ऐसा मान लिया जाएगा गित भी। तो यह सूत्र क्या क्या कार्य कर रहा है, यह कह रहा है धातु के बाद लिंगह की अनुवृत्ति आ रही है, धातु के बाद लगा हो लिंग लकार का परस्मै पद वाला प्रत्यय, धातु के बाद लगा हुआ हो लिंग लकार का परस्मै पद वाला प्रत्यय, तो उसमें परस्मै पद प्रत्यय को यासुट आगम हो जाता है, वह यासुट आगम उदात्त होता है और वह यासुट आगम गित भी माना जाता है। अब गित मानने का क्या का प्रयोजन है, गित मानने का क्या प्रयोजन है, वह आपको अन्य धातुओं में समझ में आएगा, अन्य गणों की धातुओं में है ना, जहां गुण का निषेध करेगा, जैसे स्वादी गण की धातु है सु नु बन गया है, उसके बाद यासुट आएगा तो उस नु के ऊ को गुण नहीं होने देगा, क्योंकि गित मान जाए लिया जाएगा, सुनुयात सुनुयात ऐसा बनेगा, सुनोयात नहीं हो पाएगा, जैसे सुनोत हुआ था वैसे सुनो यात नहीं होगा, सुनु यात हो जाएगा, गित होने का वह फल आपको अन्य धातुओं में समझ में आए। यहां खाली इतना ध्यान रखिए अभी कि परस्मै पद में जो यासुट आगम होता है वह गित भी होता है ठीक है। तो अब चलिए, हमने परस्मै पद प्रत्यय ये रहा, इसको यासुट आगम कर दिया, क्या कर दिया, कोई दिक्कत, भव यासुट ती ठीक। अब यासुट में थोड़ा सा हम इसको बचा लेते हैं, यास यासुट में से उ और ट की संज्ञा हो जाती है, बचता है यास, सीयुट में भी उ और ट की संज्ञा होती है, बचता है सीय ठीक। आत्मने पद में सीय, परस्मै पद में यास ठीक, यहां तक पहुंच जाएंगे। यासुट परस्मै पदेषु दातुमिच्च, ये कहते हैं लिंग लकार में परस्मै पदों प्रत्ययों को यासुट आगम हो जाता है और वह गित माना जाता है, इतनी बात स्पष्ट। अब यहां इन्होंने एक विशेष बात कही जो बात अन्य लोगों को अभिमत नहीं है, यहीं से लघु सिद्धांत कौमुदीकार अपना स्वयं का मत देना शुरू कर रहे हैं। हर एक वैयाकरण का अपना स्वतंत्र कुछ ना कुछ मत होता है, व्याकरण शास्त्र में आप कैयट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह कई जगह पर अन्य लोगों का खंडन में लगे हैं, अपना उनका स्वयं का मत है। नागेश भट्ट को पढ़ेंगे तो नागेश भट्ट कैयट की व्याख्या करते हैं, कैयट के ही प्रदीप व्याख्या की व्याख्या करते हुए उद्योत में वो कई जगह कैयट को ही धुल दिए हैं, कैयट जी का यहाँ व्यवहार थोड़ा चिंतनीय है, यहाँ उनकी व्याख्या चिंतनीय है। आप काशिका पढ़ेंगे तो काशिका में कुछ अलग मत मिलेगा, सिद्धांत कौमुदी में कुछ अलग मत मिलेगा। आप सिद्धांत कई सूत्रों में ऐसी बात है कि सिद्धांत कौमुदी में अलग और उन्हीं के शिष्य लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराज आचार्य अलग, तो शब्द की सिद्धि अलग अलग पद्धति से करते हुए आचार्य दिखाई पड़ते हैं। यहां इस भूयास्तिप में इसकी सिद्धि करने की एक प्रक्रिया जो सिद्धांत कौमुदी में वर्णित है वह शॉर्टकट में मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं हम, सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसकी व्याख्या पर चलेंगे। एक सूत्र और भी है, वह सूत्र इन्होंने यहां नहीं दिया है, आत्मने पद में दिया है, और वह सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, छोटा सा है, सुट तिथो। अब इस सूत्र पर मैं चर्चा कर लेता हूं, कुछ बातें इसमें जाननी जरूरी है। और एक सूत्र यहां आ रहा है अतो ये यहा, इस सूत्र पर भी कुछ चर्चा करनी है, लिंगा स्वलोपो नंत्य से इस सूत्र पर भी चर्चा करनी।
यह तीन विषय ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा मतभेद मिल रहा है। ठीक, अब सुट तिथोह में आप अगर अष्टाध्यायी के अनुसार देखेंगे, ठीक, सुट तिथोह सूत्र कहां पर है देखिएगा, सुट तिथोह ये जो तीन चार 107, अब देखिए लिंगा की अनुवृत्ति आ रही है लिंगा सीयूट से, 3-4-102 से आ रही है ना, 102 नंबर सूत्र से केवल लिंगा की ही अनुवृत्ति आ रही है, आत्मने पदम पदेश या परस्मै पद इत्यादि किसी की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। बीच में न कहीं आत्मने पद की बात कही गई है न कहीं परस्मै पद की बात की गई है सुट तिथोह सूत्र में। तो भगवान पाणिनि के अनुसार यदि देखा जाए, ठीक, भगवान पाणिनि जी के अनुसार यदि देखा जाए तो लिंग लकार में कहां पर, यहां अनुवृत्ति केवल आ रही है लिंगा की, क्योंकि लिंगा के प्रसंग पर इसको कहा है पाणिनि जी ने, ध्यान दीजिएगा है ना। तो लिंग लकार में प्रत्यय में अगर कहीं त अथवा थ दिखाई पड़ रहा है, तकार में जो तथोह कह देना चाहिए था, तथोह बोलने में लोगों को थोड़ी कठिनाई होगी, श्रुट तथोह ऐसा कुछ बोलने में गड़बड़ी होगी, इसलिए त में ई उच्चारण अर्थ लगा दिया, तिथोह कह दिया है ना। तो सुट तिथो मतलब त और थ तुरंत पर में हो, प्रत्यय का पहले प्रत्यय में कहीं भी त और थ आ रहे हो, लिंग लकार में प्रत्यय में कहीं भी त अथवा थ आ रहे हो तो उस त और थ को सुट आगम होता है, प्रत्यय को नहीं होता, त और थ को आगम हो, ठीक है। यानी अब टिप प्रत्यय में त है तो सुट आगम होगा, पस प्रत्यय को जगह पे ताम हो गया तो भी त है तो उसको भी सुट आगम होगा, झी में सुट आगम नहीं होगा, सिप में सुट आगम नहीं होगा, थास में सिप, थस, थस में सुट आगम होगा, थ में सुट आगम होगा, निप वस वस में नहीं होगा। प्रत्यय में त और थ दिखाई पड़ जाए, अब आताम में होगा, आताम में जो सुट आगम होगा वह आ के बाद त से पहले होगा, आस्ताम बन जाएगा आताम, सुट आगम जो होता है वह त और थ के पहले होता है, तो आताम है, आताम में त के पहले आ जाएगा सुट, आस्ताम बन जाएगा, आथाम में थ के पहले सुट आ जाएगा, आस्थाम बन जाएगा है ना, और त में आगम होगा सुट, स्त बन जाएगा, स्त, आस्ताम, आस्थाम, और फिर उसके बाद थास में भी स्थाह बन जाएगा है ना, थास जो है थास का पहला वर्ण थ है तो वहां भी सुट आगम होगा, ध्वम में नहीं होगा, इट वही महिंग में नहीं होगा। तो प्रत्यय में कहीं भी अगर त और थ दिखाई पड़ता हो तो सुट आगम होता है लिंग लकार में, यह सुट तिथोह का मत है भगवान पाणिनि के अनुसार। अधिकांश व्याख्याकारों ने वही मत लिया है जो मत पाणिनि जी का, अधिकांश ने, दो लोग थोड़ा सा जी, चाहे वह परस्मै पद हो चाहे वह आत्मने पद हो, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, क्योंकि यहां ना तो आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही ना तो परस्मै पद की अनुवृत्ति आ रही, केवल लिंग की अनुवृत्ति आ रही, ठीक, लिंग हो उसमें प्रत्यय में त और थ दिखाई पड़ रहा हो, मैंने इसीलिए सभी प्रत्यय के उदाहरण भी दिए, तिप भी दिया, तस भी दिया, थस थ, और फिर आताम त आताम, थास आथाम, सारे उदाहरण दिए, इसीलिए उससे समझ जाना, ठीक है। कोई भी अगर त और थ दिखाई पड़ रहा हो प्रत्यय में तो उसको सुट आगम होता है, ये सुट तिथोह का मतलब हुआ। परंतु काशिका व्याख्या जो हमने पढ़ी है, उन्होंने इस सुट तिथोह का जो उदाहरण दिया है वह सारे उदाहरण आत्मने पद के ही दिए, परस्मै पद का एक को उदाहरण नहीं दिया, ठीक, एक प्रयोजन उसी को शायद आधार मानकर, हालांकि भाष्यकार ने क्या समर्थन किया वो थोड़ा एक बार देखने लायक है, पर मुझे जहां तक लगता है, कुछ अभी थोड़ा सा पढ़ा तो उससे लगा है कि भाष्यकार का मत यहां इनसे थोड़ा सा अलग है, लघु कौमुदी से थोड़ा सा अलग है। भाष्यकार भी सुट को मान रहे हैं परस्मै पद में भी, पर ये क्या कहेंगे, सुट को आत्मने पद में ही मानेंगे, एक बात ये हो गई, तो सुट आगम हम नहीं करेंगे। हालांकि हम सुट आगम करते भी तो भूयास सुट और ती, सुट में से स बचता और ती हो जाता, भूयास स ती ऐसा हो जाता अगर सुट का आगम करते भी, क्योंकि त के पहले सुट आता है। सिद्धांत कौमुदी में भट्टोज दीक्षित ने क्या कहा है, सुटा यासुन न बाध्यते, सुट यासुट का बाध नहीं करता, क्यों सुट यासुत का बाध क्यों नहीं करता,
जहां सुट की प्राप्ति होगी वहां सुट भी होगा या सुट भी होगा, दोनों होगा। क्यों? क्योंकि सुट तिथो सूत्रता और थ की अपेक्षा रखता है और यासुट परस्मै पदेषु दात्तोंगिच वह लिंग लकार की भी अपेक्षा रखता है। केवल वह लिंग लकार का कोई भी प्रत्यय हो यासुट होगा परस्मै पद का, और सुट तिथो लिंग लकार के इसी उन्हीं प्रत्ययों की अपेक्षा रखता है जहां त और थ हो। तत्ता और थ रहने पर सुट यासुट का बाध नहीं करेगा, दोनों होंगे। ये तात्पर्य भट्टोजी दीक्षित का है, इनके गुरु का। ठीक, कि सुट के द्वारा यासुट का बाध नहीं होता, सुट भी होगा यासुट भी होगा। उनके अनुसार मैंने जो यहां भू धातु की प्रक्रिया इससे पहले पढ़ी भी है, प्रक्रिया की दृष्टि से तो वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखिए, तो उसमें सुट आगम भी करते हैं। तो भू यास सति, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते थे इससे पहले, लिंगा सलोपो नंत्यस्य, इस सूत्र से लिंग लकार में ऐसा स जो अंतिम वर्ण के रूप में ना आ रहा हो। देखिए, लिंग लकार में जो अनंत्य स है उसका लोप हो जाता है। ये जो सुट का स था वह अंतिम था क्या? ये यास का स है वह अंतिम है क्या? नहीं। तो लिंगा सलोपो नंत्यस्य से सुट का भी स और यासुट का भी स दोनों स लुप्त हो जाता है भट्टोजी दीक्षित इत्यादि के मत में। ठीक, क्यों? सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर, सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर, सार्वधातुक में जो लिंग है, सार्वधातुक लिंग प्रत्यय परे रहने पर जो अंतिम से भिन्न अनंतिम स है उसका लोप हो जाता है। ठीक, तो यास और सुट, यासुट का भी स और सुट का भी स लुप्त हो गया, ऐसा अन्य आचार्यों का मत है। इनके अनुसार यासुट का स लुप्त नहीं हुआ और सुट आईबय नहीं किया। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ना तो यासुट का स का लोप होगा और ना सुट आएगा। ठीक है, सुट केवल आत्मने पद में आएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का मत यह है, सुट केवल आत्मने पद में आएगा, परस्मै पद में नहीं। हालांकि मैंने कहीं वृत्ति में पढ़ा है सुटः श्रवणम स्फुटतरं तु आशीर्लिंगी, सुटः श्रवणम स्फुटतरं तु आशीर्लिंगी, यानी सुट जो है ना वह स्पष्टतः आशीर्लिंग में ही सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां सुट आएगा तो सुट का स खत्म हो जाएगा, लिंगा सलोपोन अंत्य, यहां सुनाई पड़ेगा इन्हीं विधिलिंग में सुट। आशीर्लिंग में लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आशीर्लिंग सार्वधातुक है ये नहीं, आशीर्लिंग अर्धधातुक है, इसलिए आशीर्लिंग में सुट का लोप नहीं हो पाएगा या सुट का भी लोप नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से वहां जो हमने सुटा श्रवणम स्फुटतरम वो पढ़ा है कहीं, वो किस व्याख्या में पढ़ा है एक बार देख लेता हूं। सुटा लिंग सलोपो नंत्यस्य सूत्र की बाल मनोरमा व्याख्या में, और सुट तिथो सूत्र में पदमंजरी में। ठीक, सुट तिथो सूत्र की पदमंजरी में और ये लिंग सलोपो नंत्यस्य सूत्र की बाल मनोरमा व्याख्या में, इन दोनों का मत यह है कि सुट जो है वह आशीर्लिंग में ही साफ साफ सुनाई पड़ता है, बाकी कहीं नहीं सुनाई पड़ता। ठीक है, तो अब आप कुछ लोग अच्छा इसमें बात करने लगेंगे कि ये जो यासुट और सुट का स था, ये वाला स तो अंतिम स था, काहे लोप हो गया, ऐसा कुछ लोग विचार कर रहे होंगे। तो ये स अंतिम नहीं है, यहां अंतिम ई है, अंतिम में स नहीं है, ऐसा समझिएगा। ठीक, अंत्ये भवः अंत्यः न अंत्यः इति अनंत्यः, अनंत्य स का लोप करता है, तो वह अंत्य थोड़े ना है, अंतिम में थोड़े ना है, अंतिम में तो ई है, इसलिए लोप हो सकता है लिंगा सलोपो नंत्यस्य। तो अब ये सुट की जो पक्ष है, सुट का जो विषय है, वह विषय आप सबको मैं जहां तक अपने मत के अनुसार बता पाया होऊंगा, वह ऐसा है कि यह जो सुट है, यह सुट मेरे अनुसार या अधिकांश मैंने अभी तक जितना अध्ययन किया उसके अनुसार आना चाहिए। यदि पाणिनि जी का पक्ष लिया जाए, यदि अन्य पूर्वाचार्यों का पक्ष लिया जाए, तो सुट यहाँ आना चाहिए और यासुट के भी स का और सुट के भी स का लिंगा सलोपो नंत्यस्य से लोप हो जाना चाहिए। यह एक मेरा पक्ष हुआ, पर अब हम यहाँ इनके पक्ष को पढ़ रहे हैं तो उसको देख रहे हैं। तो अब लिंगा, ये देखिए, यासुट हो गया
यासुट का यास बच गया, ठीक, यासुट का यास बच गया। अब इस सुरतिधो सूत्र को हम अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के परिप्रेक्ष्य में इग्नोर करते हैं। जब यह आत्मने पद प्रकरण का वर्णन करते समय एधिशिष्ट इत्यादि की सिद्धि करते समय यह जब सुट आएगा तब इसको और विस्तार से हम फिर एक बार और संक्षिप्त में कहेंगे, ठीक, विस्तार से बताएंगे। तो अब भव यास्ति ऐसी स्थिति है, यहां पर भी लिंगा सलोपो अनंत्यस्य ने यस को लोप करना चाहा। लिंगा सलोपो अनंत्यस्य, इस सूत्र से इस स के लोप की प्राप्ति हुई। अब स के लोप की प्राप्ति हुई, लेकिन ये क्या कहता है, सार्वधातुक लिंग लकार हो, सार्वधातुक लिंग लकार हो, तो उस समय उस जगह पर अनंत्य यानी अंतिम से भिन्न, अंतिम वर्ण के रूप में जो नहीं आ रहा है, ऐसे स का लोप हो जाता है। ऐसा होने लगा तभी तभी ये सूत्र आ गया, अतो ये यह, अतो ये यह। अब यह जो लिंगा सलोपोन अंत्यस्य जो है ना, इस लिंगा सलोपोन अंत्यस्य सूत्र पर यदि हम जाते हैं तो सिद्धांत कौमुदी का मत यहां भी साफ साफ है। क्या साफ है वो बात देखिएगा, सिद्धांत कौमुदी में भी यह बात स्पष्ट कही गई है कि सार्वधातुक लका सार्वधातुक लिंगा अनंत्यस्य सस्य लोपः, सार्वधातुक लिंग लकार में अनंत स का लोप हो जाता है, ऐसी बात वहां भी कही गई है। लेकिन इसके तुरंत बाद इन्होंने इति प्राप्ते लिखा है, उन्होंने क्या लिखा, इति सकार द्वयस्यापि निवृत्ति निवृत्ति, इस तरह से दोनों सकार की निवृत्ति हो गई। वो भूयात भवेत की ही सिद्धि में दोनों सकार की निवृत्ति दिखा रहे हैं, ठीक, इति सकार द्वयस्यापि निवृत्ति, दोनों सकार की निवृत्ति होती। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो बात लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने, शायद वहीं से इनके मन में यह उसी बात से वही बात संभवतः इनके इस सिद्धांत को बताने के बीज के रूप में मैं देख पा रहा हूं। भट्टोजी दीक्षित ने लिंगा सलोपो अनंत्यस्य सूत्र की वृत्ति में जो कहा है वो बात कही है, सुटः श्रवणम त्वासीर लिंगी, सुटः श्रवणम त्वासीर लिंगी, यानी सुट सुनाई पड़ता है आशीर लिंग में भी, आशीर्लिंग में। स्फुटतरम तु तत्राप्यात्मने पदे, और उससे भी ज्यादा स्पष्टता वह आत्मने पद में सुनाई पड़ता है, ठीक, सुट जो है वह सुनाई पड़ता है आशीर्लिंग में ही, और आशीर्लिंग में सुनाई पड़ता है, पर उससे भी स्फुटतर, स्फुटतर मतलब अगर दो तर कह रहे हैं यानी दो हो सकता है ना, स्फुट होगा कहीं और ज्यादा स्फुट होगा, तो आशीर्लिंग में सुनाई पड़ता है, पर उससे भी ज्यादा अच्छे से आत्मने पद में सुनाई पड़ता है, ठीक है। ऐसा भट्टोजी दीक्षित ने लघु वो सिद्धांत कौमुदी में लिंगा सलोपोनंतस्य सूत्र की वृत्ति में कह दिया। तो उससे यह कहीं नहीं सिद्ध हो जाता कि यह सुट को केवल आत्मने पद रूपी खूंटे में बांध दिया जाए, क्योंकि पाणिनि जी ने उसको आत्मने पद रूपी खूंटे में बांधने का प्रयास नहीं किया है, नहीं तो वह आत्मने पद के अधिकार में उसको कहते। इसीलिए भट्टोजी दीक्षित ने भी वह दुस्साहस नहीं किया कि केवल आत्मने पद में कहा जाए। उन्होंने यह कहा कि सुट होता है लेकिन सुनाई पड़ता है आशीर्लिंग में, और उससे भी ज्यादा स्पष्टता से वह कहां पर, आत्मने पद के आशीर्लिंग में। एधिशिष्ट एधिशियास्ताम एधिशीरन, वहां एधिशिष्ट में सीयूट का भी सी दिखाई पड़ रहा है और सुट का भी स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब यह बात इनके सिद्धांत कौमुदी का मत हो गया। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दोनों स का लोप हो गया लिंगा सलोपन अंत्यस्य से, ठीक, दोनों स का लोप हो गया। अब यहां पर हम बाल मनोरमा इत्यादि भी यदि देखें तो बाल मनोरमा में भी यही सुटह श्रवणम स्वासिर लेंगी लिंगाशीष, हाँ ठीक है। तो ज्यादातर बातें यही हैं जो अभी बात अभी तक पक्ष रखा गया उसका समर्थन के लिए ही ज्यादातर बातें हैं, पर अब ये थोड़ा क्रांतिकारी चिंतन रखते हैं, थोड़ा प्रक्रिया को छोटा करने का प्रयास किया है, थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास किया है, कम सूत्रों में खत्म करने का प्रयास किया है,
इसलिए इनको भी देख लेते। इन्होंने ना लाया सुट, आज आत्मनेपद में सुनाई पड़ता है ज्यादा अच्छे से, तो आत्मनेपद में ही ले आएंगे। और लिंगा सलोपो नंत्यस्य से जुस्सा का लोप हो रहा है वो नहीं होने देंगे, तो इसमें भी आशीर्लिंग में भी काम चल जाएगा। आशीर्लिंग में तो वैसे भी नहीं होता है लोप स का, ये केवल सार्वधातुक लकार में ही होता है, आशीर्लिंग तो अर्धधातुक है। तो ये जो लिंगा सलोपो नंत्यस्य होने लगा उसको रोक करके इनके अनुसार अतो ये यह लग जाए, अतो ये यह। अब ये क्या कहता है, अतो ये यह आ के बाद, ध्यान दीजिएगा, अतो ये यह में का मतलब क्या है, अतः या यह, अतः या यह, ये सूत्र है। इस सूत्र में तीन शब्द हैं, एक शब्द क्या है अतः, दूसरा शब्द है या, तीसरा शब्द है यह। ठीक, का मतलब क्या होता है, ह्रस्व अ के पर में आ रहा हो या, तो उस या के स्थान पर हो जाता है ई। सूत्र में भगवान पाणिनि ने साफ साफ या के स्थान पर ई करने को कहा है, साफ साफ या के स्थान पर ई करने को कहा, या यह। ठीक, हम मेरा ये कर्तव्य है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो इनके हिसाब से बताएंगे अभी, पर यह कर्तव्य है मेरा कि जो अन्य आचार्यों का मत है और जो भगवान पाणिनि का स्वयं का मत है उसको भी बताया जाए। ठीक, इसलिए यहां अतो ये हमें जो या के स्थान पर ई होता है, या कैसा हो यदि ह्रस्व अ के बाद आता हो, तो अब यह कहा है, यह यह का मतलब वो खाली ई है, यह कहा तो है, अकार सहित लगा कर विभक्ति लगा दी है, नहीं तो मूलतः होता है ई, या के स्थान पर ई हो जाता है, खाली इतनी बात है। ठीक, तो ये बात हुई। अब इसके बाद या के पर में अकार जो है वह केवल उच्चारण के लिए है, उच्चारणार्थ यह में। अब यह बात ये क्या होती है, या को ई करने के लिए थोड़ा सा एक दो बातें और भी जाननी इसमें अतो ये यह में आवश्यक है, वो भी बताएंगे। पर कुछ लोग तो और भी एडवांस चले गए हैं, इंग्लिश व्याख्या है, उन्होंने तो इसे कह दिया कि सार्वधातुक लिंग लकार में जो या है वह ए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इंग्लिश व्याख्याकार ने, और शॉर्टकट जाने का प्रयास कर दिया है, ई नहीं ए के रूप में कन्वर्ट हो जाता। अब काशिका व्याख्या हो गई, चाहे न्यास हो गई, चाहे पद्मंजरी हो गई, चाहे बालमनोरमा हो गई, चाहे तत्वबोधिनी हो गई, चाहे प्रौढ़ मनोरमा जब भट्टोजी दीक्षित की ही है, तो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में जो कहा वही प्रौढ़ मनोरमा में भी कहेंगे वही बात। तो अधिकांश व्याख्याओं में, महाभाष्य में भी जो इसमें यद्यकारात परो या शब्द, यदि अकारात परो या शब्द ऐसा कहा है महाभाष्य में, इसलिए महाभाष्य का भी मत यहाँ या परक ही है, यास परक नहीं। ठीक, सा का लोप किया जा सकता है, नहीं यास शब्द अलग बात है और या शब्द अलग बात, तो वहां स का लोप नहीं हो पाएगा, है ना। तो यदि अकारात परो या शब्द अर्ध धातुकम अस्ति, तो या के स्थान पर ई हो जाता है, पचेत यजेत उदाहरण दिया है इन्होंने। ठीक है, तो मतलब ये इतना निष्कर्ष हमने महाभाष्य के अनुसार भी देख लिया, या के स्थान पर ही ई करते हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट लागो क्या ले आए, कह दे नहीं भाई पूरे यास के स्थान पर हम ई कर देंगे, क्या कर देंगे, पूरे पूरे के पूरे यास के स्थान पर ई कर देंगे, ये एक बात हो गई। यदि ह्रस्व अ के बाद यास आ रहा हो तो पूरे यास के स्थान पर ई हो गया, लिंगा सलोपो अनंत्यस्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात यह है कि फिर चिंतनीय होगा तनुयात सुनुयात इत्यादि रूपों की सिद्धि में, वहां लघु सिद्धांत कौमुदी के मत में, लघु सिद्धांत कौमुदी, अब फिर एक प्रश्न हल्का सा ऐसा भी उठ सकता है कि यदि लिंगा सलोपो अनंत्यस्य, अब मैं लघु सिद्धांत कौमुदी वाला बनकर बता रहा हूं, पूरे यास के स्थान पर ई कर देंगे, ठीक है हो गया पूरा यास खत्म, ई आ गया। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि भाई ये यास है, इस पूरे यास का हमने लोप कर, यास के जगह पे ई कर दिया, तब तो लिंगा सलोपो अनंत्यस्य सूत्र बनाना ही बेकार हो गया, यहां चरितार्थ ही नहीं हुआ। तो हम कहेंगे नहीं भाई, यह लिंगा सलोपो अनंत्यस्य अन्य उदाहरणों में चरितार्थ हो जाएगा,
तनुयात अद्यात इत्यादि धातुओं में अकारांत के बाद नहीं आ रहा है तो यास के स का लोप हो जाएगा। जुहुयात हु के बाद आ रहा है, उ के बाद आ रहा है तो यास के स का लोप हो जाएगा। जहां आ के बाद आ रहा है वहां लिंगासलोपोनंतस्य नहीं लगेगा, जहां आ के बाद नहीं आ रहा है वहां लिंगासलोपोनंतस्य से स का लोप कर दीजिएगा। ये इनका मत हो गया, ठीक है। तो दोनों तरह का मत हमने देखा। अधिकांश आचार्यों का मत यह है कि भू यास टिप के बाद भू यास सुट टिप होना चाहिए, भव यास सुट टिप, भव यास, और उस सुयास के स का और सुट के स का दोनों स का लिंगासलोपोनंतस्य से लोप हो जाएगा, ऐसा अधिकांश आचार्यों का मत है, ठीक। ये पक्षपात, दोनों स का लोप हो जाएगा, भव या ती बचेगा, और फिर अतो ये यह से या के जगह पे इय हो जाएगा, यह अधिकांश लोगों का मत है। तो भव इय ती ऐसा होगा, ठीक। परंतु इनका मत क्या है, सुट नहीं आएगा, या सुट आएगा उसका यास बचेगा, उस यास के स का लोप होने लगा तभी अतो ये यह पूरे यास के जगह पर इय कर देगा। देखिए, अतः परस्य सार्वधातु का अवयवस्य यास इत्यस्य इयः। अब थोड़ा चिंतनीय यह होगा, जबरदस्ती सिद्ध करना हो यास तो सिद्ध किया जा सकता है, पर सूत्र के या और इयः से यास नहीं निकाला जा सकता। सूत्र में ये यह से यास इयः नहीं निकाला जा सकता। आप कहेंगे कि यास में जो स है उसका हम स को रू कर देंगे और स को रू करके भो भगो अघो पूर्व सियोसी से य करके लोपा शाकल्य से लोप कर देंगे तो या यह ही रहेगा, या और यह में बीच में संधि नहीं हो पाएगी, ठीक। अगर यास यह ये जोड़ा होता यास यह तो यास हमें विभक्ति लगाते, यास के स्थान पर यह होगा, ऐसा यास यह बनता, और मान लो लुप्त विभक्ति का प्रयोग भी कर लेते यास यह हो जाता तो यास यह बनता। यास के स का लोप अगर किसी कारण वो कर भी ले जाते लोपाशाकल्यस्य से तो अतो या यह सूत्र होता, गुण संधि फिर उसमें नहीं हो पाती, ठीक। ये बात है, फिर भी अब किसी तरह सिद्ध किया है तो मान लीजिए सिद्ध किया है इन्होंने, अब इनके ऊपर की और कोई व्याख्या सुधा इत्यादि व्याख्या अभी मुझे मिली नहीं है इस सूत्र की, इसलिए नहीं तो वो देखने देखना पड़ता कि उन्होंने इनके पक्ष को किस तरह बचाया है, वो थोड़ा चिंतनीय हो, पर चलेगा। यास का हमने सीधे सीधे इय कर दिया, ये यास है, इस यास के स्थान पर अतो ये यह से इय कर दिया, ठीक। अब आप इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस लकार में इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा, अब तक अब निष्कर्ष हो रहा है, अब सारे रूप बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए थोड़ा सा कि भव तक तो सभी जगह पहुंचेंगे भू शप जोड़कर, ठीक। भू शप जोड़कर भव तक तो सभी जगह पहुंच ही लेंगे, हम लोग पहुंच लेंगे। एक्स्ट्रा काम क्या करना है यहां पर, हमको एक्स्ट्रा काम यही करना है कि यासुट का आगम, यासुट में से ऊ और ट की संज्ञा अस्य लोपास्य लोप यास बचाना है, ठीक। भव यास ती, अब यह जो यास है इस यास के स्थान पर लिंगा सलोपोनंतस्य से स का लोप होने लगा तभी अतो यह ने कहा अ के पर में आने वाला सार्वधातुक का जो अवयव यास है उस यास के स्थान पर इय हो जाता है, तो पूरे यास के स्थान पर इय कर दिया तो भव इय। अब आप ये ध्यान रखिए कि ये विधि लिंग लकार का, लिंग लकार का कोई भी प्रत्यय रहेगा परस्मै पद वाला तो यास तो अइबे करेगा, यास को कोई रोकने वाला है क्या, बताइए, नहीं, यास तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब ये यास जो आएगा, यास के जगह पर, अच्छा यास जो आया प्रत्यय को आएगा, प्रत्यय से पहले भू और शप है यानी भव बना हुआ है, तो जो भी यास आएगा वह अ के बाद ही आएगा और हर बार यास को इय आदेश होगा ही अतो ये यासे, तो भव इय इतना तो बनना ही बनना है। और इतना ही नहीं, भव में रहा अ और यहां रहा ई,
आद गुणा से इन दोनों के स्थान पर गुण होकर आ और ई के स्थान पर गुण करके ए हो जाएगा जब, तो बन जाएगा क्या? भवेय। क्या बना? भवेय। अब इसी भवेय को आपको सभी जगह बनाना है, सभी प्रत्ययों में, चाहे वह तिप हो, चाहे वह तस हो, चाहे वह झी हो, चाहे वह सिप थस थ मिप वस मस, कुछ भी हो, यह भवेय बनाना है आपको। अब भवेय कैसे बनेगा, एक बार मैं फिर संक्षेप में बोल रहा हूं। भू शप, भू शप आएगा, वो शप किस कारण आया? तिप के कारण आया, है ना? तो अभी तिप को भूले रही, एक साइड पड़ा हुआ है किनारे, उसको छोड़ कर रखिए। भू शप, भू अ, भो आ, एचो ये वाया वा, भव अ, भव बनेगा। और तिप जो पिछवा पड़ा हुआ उसको यासुट आगम हुआ, यासुट का यास, यास को ई। यद्यपि यह जो ई है वह प्रत्यय का ही अंग बनेगा, पर फिर भी हम समझने के लिए अभी उसको प्रत्यय से अलग करके समझते चल रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रत्यय से ही आगे आएगा, सभी प्रत्यय के पहले जुड़ेगा ई। तो सारे के सारे प्रत्यय जो तिप है वह ईयति हो जाएगा, तस है वह ईयतस हो जाएगा, झी है वह ईयन्ति हो जाएगा, ठीक, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अब यहां तक पहुंच गए, हाँ। अगले सूत्र आएगा भवेयति, यहां तक पहुंचे हैं ना, तो इसी भवेयति को अपने बुद्धि में रखिए, हम इसको मिटाते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं अगले सूत्र में, तब आगे समझा जाएगा, ठीक। वह अगला सूत्र है लोपो योर वली। देखिए स्थिति क्या हो गई थी, यह भवेय सभी जगह आएगा ही, प्रत्यय अलग अलग रह सकता है, ठीक। लोपो व्योर वली क्या करेगा, ये देखिए ध्यान दीजिए, वा और या का, वा का और या का लोप हो जाता है, सूत्र से ये अर्थ निकल रहा है ना, व्योह लोपः, यानी वा और या का लोप होता है कब? वली, तुरंत बाद में वल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अब ये वल क्या है, तो या को छोड़कर सारे व्यंजन वल हैं, है ना, हयवरट के या को छोड़ दीजिए, वह से शुरू कीजिए और हल तक चले जाइए, सारे व्यंजन वल हैं। या के तुरंत बाद देखिए, वह हो अथवा यह हो, उसके तुरंत बाद वल आता हो तो वह और या का लोप हो जाता है, बन गया भवेति, बना। अब इतश्च सूत्र आप पढ़ चुके हैं, उस इतश्च सूत्र से गित लकारों में अंतिम वर्ण इत का, ई का लोप हो जाएगा, बन गया भवेत, बन गया भवेत। यह भवेत दिख रहा है आपको, इसमें भू शप यासुट एक मत में, भू शप यासुट सुट तिप इतना जुड़कर तब बना है, और दूसरे मत में भू शप यासुट तिप ये चार चीज जुड़कर बना है, भवेत बन गया। अब फिर आगे चलते हैं हम, तो ये इतनी बात तो अब आप देखो ध्यान ही होगी, लोपो व्योरबली भी समझ ही गए हैं, हाँ, भवेत भवेताम ये दो बना लिया इन्होंने। देखिए अगली स्थिति भी भाई भव बना लेंगे, या ये अतो ये यह लगाकर ई कर लेंगे, तस प्रत्यय रहेगा ही, तस के स्थान पर तस्थस्थमिपाम ताम तम ताम ताम हो जाएगा, तस के स्थान पर भवेय ताम, लोपो व्योरबली से खाली या का लोप करना है, भवेताम, ठीक, स्पष्ट है। इसके बाद अगला प्रत्यय लगाते हैं भवेय के बाद झी, कौन सा झी, झोंता जी कहे कि झ के जगह पे अंत कर दो, लेकिन तभी झेर जूस आ गए और वो झी का जूस निकाल लिए, ठीक। क्या कहे, लिंग लकार में अगर झी हो तो उस झी को हो जाता है जुस, क्या कहा, लिंगो झेर जुस्यात, लिंग लकार में वही तीन चार तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 102 नंबर सूत्र से लिंगह की अनुवृत्ति आती है, ठीक, लिंग लकार में आने वाले झी के स्थान पर क्या हो जाता है, जुस, ठीक है। तो ये झी को हटा दिया और पूरे झी के जगह पे आ गया क्या, जुस। अब आप ये मत कहिएगा भाई कि क्या, ये मत कहिएगा कि यह के तुरंत बाद, यह के तुरंत बाद जुस है तो लोपो व्योर वली से या का लोप कर डाले, नहीं भाई, क्योंकि जुस जो है एक प्रत्यय है, उसमें से ज की चुटू से इत संज्ञा होगी, बचेगा उस, अब यहां वल नहीं है तो या का लोप नहीं हो पाएगा, है ना, तो जुड़ क्या गया, भवेयुस,
स को विसर्ग कीजिएगा, ससज शोरु से रू करके खरवसाने और विसर्जनीय से बन जाएगा भवेयुः, बन जाएगा भवेयुः। तो भवेत भवेताम भवेयुः। अच्छा थोड़ा सा मैं थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं, हैं लगाते हैं। ये बताइए जब भव है और यासुट है ना, भव यास ये तो सब जगह आएगा ही। अब ये बताइए चाहिए जो यास है ये किसका अंग है? बाद में लगे हुए प्रत्यय का, यदागमास तद्गुणी भूतास ग्रहणेन गृह्यन्ते इस परिभाषा के अनुसार। तो ये सारा यास प्रत्यय का अंग बन गया है। अब यह प्रत्यय का पहला वर्ण यह है कि नहीं, तो अतो दीर्घो यही क्यों नहीं लगा, अतो दीर्घो यही क्यों नहीं लगा, भव के अ को दीर्घ काहे नहीं लगा गया, प्रश्न उठता है कि नहीं? कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उठा और इसका उत्तर आया बताइए। यह बात यह है अतो दीर्घो यही, यद्यपि नंबर भी बता देता हूं, चलिए नंबर भी देख लीजिए जिससे पता चल जाएगा। अतो ये यहाँ आपको दिख रहा है कहाँ गया, अतो ये यहाँ, यहाँ दो सूत्र लग रहे हैं यहाँ इस स्थिति में। एक तो अतो ये यहाँ ने कहा कि या के जगह पे ई कर दो, और अतो दीर्घो यही ने कहा कि इस अ को दीर्घ कर दो। तो दोनों में से अतो ये यह को क्यों लगाया गया, अतो दीर्घो यही को क्यों नहीं लगाया? क्या अगर ई आदेश हो जाता तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ पर अतो दीर्घो यही से भी प्रसिद्धि है परंतु फिर भी ई आदेश क्यों हो रहा है? अतो दीर्घो यही यदि इसका ही हम हमेशा प्रयोग करते रहे, यदि अतो दीर्घो यही इसका ही हम प्रयोग हमेशा करते रहे, ठीक, भाष्यकार ने उठाया इसलिए हमारे दिमाग में आया है, ठीक, यदि हमेशा हम अतो दीर्घो यही से इस आ को दीर्घ करते ही रह गए तो इतना तो पक्का पक्का है कि यासुट से पहले ह्रस्व आईबई नहीं करेगा, इतना तो पक्का ही है यासुट से पहले ह्रस्व आएगा ही नहीं, तब अतो ये यह सूत्र बनाना ही बेकार हो जाएगा। अ के बाद आने वाला या ये होता है, ये तो ह्रस्व अ के बाद आने वाला या ये होता है, ह्रस्व आ के बाद तो या आईबई नहीं करेगा फिर कभी, अगर हर जगह हम अतो दीर्घो यही ही लगाते रह जाए तो। इसलिए इस जगह पर जहां अतो ये या से या को ई करना है वह सूत्रवे व्यर्थ होने लग जाएगा, इसलिए हमको यहाँ अतो दीर्घो यही नहीं करना, ठीक। ये एक बात छूटी तो हम सोचे अभी तुरंत दिमाग लगा लेते हैं। अब भव इसके बाद ई जोड़कर भवेय बचा हुआ है, उस करके हमने भवेयुः बना लिया। अब इसके बाद सिप प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा सिप का बचता क्या है, सी, ठीक, और लोपो व्योरबली होगा कि नहीं होगा क्योंकि वल है स, इतश्च लगेगा कि नहीं, बचेगा खाली स भवेश, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा बन जाएगा भवे, ठीक, ये जो सिप के स के जगह पे विसर्ग कर लीजिएगा बन जाएगा भवे। तो क्या वह पूर्व उस दृष्टि पर, उस दृष्टि से तो पूर्व सूत्र कौन हुआ, अतो ये यह पूर्व सूत्र हुआ, अतो दीर्घो यही बाद का सूत्र हुआ, तो पर सूत्र बलवान हो जाएगा अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही समाधान यही है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, समाधान यही है क्योंकि अतो दीर्घो यही ही पर सूत्र है वास्तविकता में, क्योंकि ये 7280 है, अतो ये 7280 है और अतो दीर्घो यही 7301 है, बाद का सूत्र है तो वो बाद का सूत्र होने के कारण बाधक ही होता, पर सूत्र ज्यादा बलशाली होता है तो इसलिए अतो दीर्घो यही ही ज्यादा बलशाली है, पर फिर भी ये बाधक हो जाएगा, ठीक चलेगा। अब भवे हो गया, इसके बाद भवेय के बाद हम लगाते हैं सिप के बाद बारी किसकी आती है, थस, है ना, अथवा थस अथवा थ दोनों लगाते हैं एक साथ, है ना, भवे थस भवे थस भवे थ, यहां तस थस थमिपाम ताम तम तामह, यह तस थस थमिपाम थ के जगह पे कर देगा तम और थ के जगह पे कर देगा त, है ना, भवेय तम या का दोनों जगह लोप करिएगा भवेतम भवेत, या का लोप कर लीजिएगा हो जाएगा ना भवेतम भवेत, ठीक है। अब यदि प्रत्यय होता कौन सा, मिप, प्रत्यय क्या होता मिप, तो तस्थस्थ मिपाम ताम तम तामह सूत्र से
निप के जगह पे आ जाता है अम। अब यहां प्रत्यय का पहला वर्ण वल नहीं है, इस कारण लोपो व्योरवली से या का लोप नहीं होगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा भवेयम। ठीक, भवेयम। और जब प्रत्यय रहेगा वस या रहेगा मस, वस और मस प्रत्यय में हम नित्यम गीता सूत्र केवल लगाएंगे। गीत लकारों में जो लंग लोट में भी लगा चुके हैं, हम लंग में लगा चुके हैं, उत्तम पुरुष के स का लोप हो जाता है, उत्तम पुरुष के अंतिम वर्ण स का लोप हो जाता है, तो यह उत्तम पुरुष के अंतिम वर्ण स का लोप हो जाएगा और लोपो व्योरवली से या का भी लोप हो जाएगा, बन जाएगा भवे व भवे म। ठीक, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे व भवे म। ठीक है, ये बन गया। तो अब ये देख लीजिए, पूरा बन गया, भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवे व भवे म। अब जो ये सी या के जगह पे इय हुआ है, वह इय इय रूप में केवल दो जगह दिखाई पड़ रहा है, झी में क्योंकि उसको जुस हो गया उस, और मिप में क्योंकि उसको अम हो गया। इन दो जगह प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है, इस कारण यह बचा रह जाता है। बाकी सारे जगहों पर प्रत्यय का पहला वर्ण वल है, इसलिए लोपो व्योरवली से बाकी सारे जगह पर जो ई हुआ है उसके या का लोप हो जाता है, ई बचता है। तो भव ई और प्रत्यय ई, भव और ई को आद गुणा से गुण करेंगे, भवे, भवे के बाद प्रत्यय जुड़ेगा, भवेत भवे, है ना, भवेतम भवेताम भवेत भवे व भवे म हो जाएगा ऐसे सब। तो भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप हमने अब तक देख लिया। अब भू धातु का इससे आगे का लकार है आशीर्लिंग लकार, उसको अग्रिम व्याख्यान में देखेंगे। और साथ ही साथ जो अन्य धातु हैं भू के सिवाय, आद अस हु दिव इत्यादि सभी गणों की कुछ प्रमुख प्रमुख धातुएं जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, इसी के साथ इसी तरह की प्रक्रिया जहां हो रही है उनको भी देख लिया जाए। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।